एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और हमेशा आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, मेरी यही दुआ है। इसी के साथ में आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ, एक वो है ऑफिशियल ट्रेलर जिसका नाम है दास्तानी मीरी पीरी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उनका ये वीडियो कैसा है, आई थिंक ये ट्रेलर कैसा है। तो अगर आप चैनल पर आएँ और आपको सिख धर्म के ऐतिहासिक वीडियोस पसंद है, शब्द पसंद है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देन मेरे चैनल पर जाकर आप देख भी सकते हैं और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, देन मुझे सपोर्ट करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सन 1604 ईस्वी विच सारे धर्मां दे ज्ञान लई हरमंदर साहिब विच आदि ग्रंथ दा प्रकाश कीता गया, पर उस समय दी हुकूमत इस जुरत नूं बर्दाश्त ना कर सकी। आलमपना उठे हुए सिर जे आज ही कलम ना कीते गए ता बगावत कल नूं दोबारा भी हो सकती है। तुसी ये गलत कर रहे हो, अल्लाह दे बंदिया नाल ये सलूक ठीक नहीं है। साईं जी, की ठीक है ते की ठीक नहीं है ये तो बादशाह जानदे ने। फिर श्री गुरु अर्जुन देव जी दी शहादत तो बाद श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मीरी पीरी दिया दो तलवारा पहनिया। या तो मर जावांगे या मार देवांगे, पर गुरु साहब नु वापस लेके आवांगे। अज इन्होंने बाजू हाथ पाया ते कल ताज नु पाणगे। हरगोबिंद नु रिहा करके बादशाह ने बहुत बड़ी गलती की थी। पुल नदी बागात चढ़ चढ़ चाहिए जानिम ने यार ये लोग मुगला ने अमृतसर से चढ़ाई कर दी है। मेरी गैर मौजूदगी विच गुरु जी का ख्याल रखना। घोड़िया नु लियाउण लई मैनू किसी फौज की लोड़ नहीं, उस लई मैं कल्ला ही बहुत है। के घोड़े अज रात भूखे नहीं सौणगे। मुगलों की ताकत उन्हां दी गिनती विच है, साडी ताकत साडे जोश ते हिम्मत विच है। हर गोबिंद जिहड़ा वार चलण लई तैयार हो जा। विधि चंद शीना सच्चे पातशाह का परम सेवक। बहुत अच्छा ट्रेलर था यार। मतलब मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जब मैं इन लोगों की सजाएं देखती हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है। मतलब मैं ऐसे मेरे रोंगटे खड़े, मैं तुरंत उस समय मेरी आंखों में एकदम पानी सा भर आया था कि जिब उतना खोलता हुआ पानी वैसे करके उनके सर से डाल रहे थे। आप लोग खुद सोच के एक बार देखिए कि जब हम लोगों को ऐसे जरा सा कुछ जलता है या टच होता है गर्म चीज़, तो हम लोग को क्या रिएक्शन होता है उस टाइम पर। और उनको खोलते हुए पानी से बिल्कुल सर पर डाल दिया गया था। कितने वाहियात थे वो लोग और इतने ज़्यादा, मुझे तो ऐसा वर्ड ही निकलती ना उनके लिए कि मैं यहाँ पे चैनल पर बोल भी नहीं सकती हूँ। लेकिन सोचिए वो परम पिता थे और इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे वो कि उनको इस चीज़, मतलब उनके अंदर डर नहीं था किसी चीज़ का भी कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और वो अपने हित, अपने मतलब अपने अपने लिए भी नहीं, दूसरों के हित के लिए हमेशा काम करते थे और वो अड़े रहे। बहुत ही अच्छी मूवी होगी ये आई थिंक, और आ भी चुकी, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे ये लिंक शेयर किया गया इंस्टा पे तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आके रिएक्ट किया। तो अगर ये मूवी आ चुकी है, क्योंकि 2019 का दिखा रहे, तो आई थिंक ये मूवी अभी तक आ चुकी है तो मैं ज़रूर देखूँगी। और इसी के साथ मुझे पता है मैं देख के बहुत रहूँगी, क्योंकि और मुझे सबसे ज़्यादा बताएं इसमें क्या मतलब फ़ील होता है कि ये रियलिटी है। तो जब आप किसी रियलिटी पे कोई चीज़ करते हो ना तो वो चीज़ आप फील कर रहे हो, तो देन मुझे बहुत ही बुरा लगा। लेकिन
सच में बहुत महान थे यार ये लोग। मैं कितना इनकी कितने इनके लिए क्या ही बोलूँ मैं, जब भी बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बहुत कम है, कुछ भी नहीं है यार हम लोगों का ये रिएक्शन। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, जो आप लोग ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और लिंक देते हैं ना मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलती हूँ फिर, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, देन टेक केयर एंड बाय बाय।